कन्यादाना पुलिस आरक्षक ने युवक के साथ की गाली गलौज और मारपीट की कोशिश। कन्यादाना का एक युवक रोहित कोहली पुत्र भगवान दास कोहली नगर के सभागार में मैदान में 6 अगस्त को बैठा हुआ था, तभी कन्यादाना थाने में पदस्थ आरक्षक अरुण मेवा फरूस और 3 अन्य पुलिस आरक्षक वहां पहुंच गए और रोहित कोहली के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर रोहित के साथ मारपीट करने की कोशिश करने लगे, जिसकी शिकायत रोहित कोहली ने सीएम हेल्पलाइन पर की। रोहित कोहली ने बताया कि इसमें 2 महीने पहले कन्यादाना थाने में ही पदस्थ उप निरीक्षक केपी शर्मा के द्वारा भी रोहित को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत रोहित ने शिवपुरी एसपी को की थी। इसी कारण केपी शर्मा और उनके स्टाफ के द्वारा लगातार रोहित कोहली को प्रताड़ित किया जाता है। आवेदन देने के बाद कई बार रोहित पर पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 151 और 110 के तहत फर्जी प्रकरण दर्ज कर और कई मामलों में फंसाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। रोहित कोहली का कहना है कि एसपी को भी कई शिकायत के कारण पुलिस मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। आपके द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई किसी पुलिस वाले के खिलाफ, क्या है पूरा मामला? मैं खनियाना सभागार मैदान में बैठा था 6:30 बजे। कब की बात है ये? जी है, इसी महीने की 6 तारीख की। फिर क्या हुआ? वहाँ आरक्षक अरुण मेवा फरूस खनियाना थाना में पदस्थ है, उसके साथ 2-3 पुलिस वाले और थे। इन्होंने आके मुझे गाली दी गई, मुझसे बोलने लगे कोरी वाले कुछ कोरी कहाँ गया, बस मुझे माँ बहन की गालियाँ दी और मारपीट करने की कोशिश की तो मैं बच गया, मतलब मुझे मार नहीं पाया और बस वहाँ से चले गए। तो इसकी शिकायत आपने किसी को की है क्या? मैंने 181 लगाई। और इसके बाद कोई आवेदन वगैरह? आवेदन मैंने कुछ महीने पहले दिया था। तो किसके खिलाफ? केपी शर्मा जी के खिलाफ। कौन है ये केपी शर्मा जी? हैं खनिया थाना पदस्थ हैं, उप निरीक्षक 2 स्टाफ। क्या आप पहले भी आपके साथ ऐसी घटना घटी? मुझे परेशान करते थे, जाति सूचक गालियाँ देते थे शर्मा जी, तो मैंने उनके खिलाफ आवेदन दिया था। तो उसके बाद भी आवेदन से तो कुछ हुआ नहीं, और उसके बाद ही मुझ पर 151 लगाई गई और मेरे ऊपर 110 का भी मुकदमा किया गया। तो आपने 181 कब लगाई? 181 मैंने कल लगाई। कल लगाई है? हाँ। तो 181 से कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं, पुलिस वालों द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है, कटवाओ।